हालित अपने बच्चों के साथ सजीर के घर रहने के लिए जाता है। सब कोई वहाँ के माहौल को देखकर उदास हो जाते हैं। चारों ओर गंदगी और गरीबी। सजीर का घर बहुत छोटा है, बट वो बहुत वफादार है और उनकी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखता है। उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, पर वो दिखाते नहीं हैं। किसी तरह सामान समेट लेते हैं वो लोग। करीम हालित से पूछता है कि ये सब ख़त्म हो जाएगा ना, फिर हम वापस घर जाएंगे। हालित कहता है, तुम्हारा डैड सब संभाल लेगा। कुंवर आलिया से हालित के बारे में डिस्कस करता है तो आलिया कहती है, याद है कैसे उसने हमें भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया था? हम पर तरस भी नहीं आई थी उसे, मैंने उसे बद्दुआ दी थी, मेरी ही आह लगी है उसे। आलिया करीम को अपने पास लाने की बात करती है और शायद लैला भी अपने माँ के पास जाएगी, जहरा का शायद कोई ठिकाना ना हो। यिल्दिज़ को आमिर से पता चलता है कि हालित और उसकी फैमिली सजीर के वहाँ ठहरी है। उसे बुरा लगता है। आमिर कहता है कि तुम पर उसने कितना अत्याचार किया है। फिर भी यिल्दिज़ कहती है, जो भी हो है तो वो हालिद जान का फादर। आमिर कहता है कि कितनी नरम दिल हो तुम। यिल्दिज़ हालिद जान को उनके पास ले जाने का सोचती है, उनको खुश करने के लिए। आलिया शायिका को इन्फॉर्म करती है कि हालिद के शेयर्स बैंक के नाम हो गई है, तो न्यू कमर्स और मैनेजर्स ने डिसाइड किया है कि शायिका की ज़रूरत नहीं है, तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। शायिका गुस्सा होकर पूछती है कि तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना। आलिया कहती है कि वो घर की बात है, यहाँ मेरी नहीं चल सकती, अब तो तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। अली लैला को लेके परेशान है और आलिया से पूछता है कि अगर वो लोग उनकी मदद कर सके, बट आलिया के हिसाब से हालिद बिल्कुल राज़ी नहीं होगा क्योंकि वो घमंडी है। अली बस लैला को सपोर्ट ही कर सकता है। शायिका उन नए शेयर होल्डर्स को कायल करने की कोशिश करती है अपने टैलेंट और स्किल्स के बारे में बताकर, पर वो कहते हैं कि हम अपना टीम लाए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। शायिका कहती है कि जो भी हो मेरे बारे में सोचिएगा ज़रूर। आमिर और कुंवर यिल्दिज़ का ऑफिस ज्वाइन करते हैं, बट यिल्दिज़ कहती है उनसे लोगों को जलन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें सबसे बेस्ट ऑफिस मिला है, और ये भी कि उनके हेड मिस्टर बुलंत ने कहा है कि इंग्लिश में बात करनी है। आमिर कुंवर कहते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा आता है। यिल्दिज़ कहती है, तुम्हें मेरी तरह एडवांस्ड इंग्लिश बोलना है, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। आलिया नादिर को इन्फॉर्म करती है कि बैंक वालों ने कहा है कि अगर हालिद वाले शेयर्स सेल पर लग जाए तो वो उन्हें खरीद सकते हैं। नादिर उसे फिर से यिल्दिज़ वाली बात याद दिलाता है और धमकाता भी है। आलिया समझाती है कि वो ट्राई कर रही है। शायिका ऑफिस छोड़ के जाती है तो आलिया उसको ताने मारती है, पर शायिका कहती है कि अभी इतना उड़ो मत, कल क्या हो किसी को नहीं पता, शायद मैं वापस भी आ जाऊँ। हालिद के बच्चों को उसने इतनी आशाएं से देखकर रखी थी कि वो आज मुंह बनाकर बैठ गए हैं, सिवाय इसके कि वो सजीर के शुक्रगुजार हो और उसकी मदद करे। अली लैला को कॉल करता है हालचाल और मदद के लिए पूछने के लिए, और लैला उसको खड़ी खोटी सुनाकर कॉल कट कर देती है। यिल्दिज़ से मिस्टर बुलंत मिलने आते हैं और वो कहती है कि मैं आमिर और कुंवर को इंग्लिश सिखा रही हूँ। मिस्टर बुलंत ये सोचकर कि शायद यिल्दिज़ इंग्लिश में माहिर है, उसे कहते हैं कि मैं आपको मेल में सीसी में रखूँगा। वो कहती है कि हाँ ठीक है, बट उसे कुछ समझ नहीं आया। आमिर और कुंवर कहते हैं कि और छोड़ो बड़ी बड़ी बातें, वो लोग एक ट्रांसलेटर हायर करने की सोचते हैं। शायिका काया से उसके ऑफिस में जॉब मांगती है, पर वो मना कर देता है और कहते हैं कि तुम स्विट्ज़रलैंड चली जाओ, वहाँ काम करो। वो इल्ज़ाम लगाती है शायद आलिया ने सिखाया है आपको ये सब, तो वो डिसएग्री करता है। शायिका नाराज़ होकर चली जाती है। लैला घर से निकलती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, बट वो उसे उसके हालत की वजह से बेइज्जत करता है। वो नाराज़ होकर वापस घर चली जाती है। आलिया करीम से मिलने आती है, पर हालिद को उसे थोड़ा तो सुनाना बनता है। हालिद कहते हैं कि अपने बच्चे के बाप की ऐसी हालत को तुम इस तरह ट्रीट करोगी। आलिया उसे याद दिलाती है कि हालिद ने उसे इससे भी बदतर जगह पर छोड़ दिया था और तरस भी नहीं खाई थी, वो भी तो उसके बच्चे की माँ है। हालिद गुस्सा होने लगता है। करीम को आलिया बैकपैक करने के लिए कहती है, पर वो अपने डैड के साथ ही रहना चाहता है। आलिया उसे फिर भी सोचने के लिए कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आयशा यिल्दिज़ के घर काम पे आ जाती है, सब बहुत खुश है। हालिद की बात छिड़ती है तो यिल्दिज़ कहती है, जो बोया है वही काट रहा है, पर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। आयशा कहती है, मैं उनसे मिलने जाऊंगी वरना शायद उनको बुरा लगे।